तो दोस्तों बिग बॉस 15 का सामने आता हुआ नजर आया एक बिहाइंड द सीन जो कि बहुत से फैंस ने किया था इग्नोर। ये चीज बहुत से फैंस ने देख ही नहीं पाए थे और अब जाकर के मेरे हाथ लगी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। उमर रियाज किस तरीके से लड़ते हुए नजर आए थे रश्मि देसाई के लिए, किस से लड़ रहे थे ऑब्वियसली प्रतीक सहजवाल से और रश्मि देसाई उन्हें रोक भी रहे थे कि छोड़ उमर छोड़ इन्हें। किस बात पे हुई थी लड़ाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिग बॉस 13 का हिस्सा रह चुकी थी रश्मि देसाई, तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि क्या क्या रूल्स होते हैं बिग बॉस 13 के। तो रश्मि देसाई ने कहा कि प्रतीक तू किस तरीके से काम कर रहा था, वो कहते हुए नजर आए कि यार मैं पूरे दिन खाली नहीं बैठा रहता, मैं भी लिविंग एरिया साफ कर आया हूँ। रश्मि देसाई बोलती हुई कहीं ना कहीं नजर आई कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिविंग एरिया हमने भी साफ करा है, तू कोई अनोखा थोड़ी है जो तू कर आ रहा है और इस तरीके से एटीट्यूड में रह रहा है। तो जिस तरीके से प्रतीक सेज पर रश्मि देसाई से बोल रहे थे वो उमर रियाज को ना गवारा गुजरी थी, तो इसलिए कि इतना फूट पड़े थे उमर रियाज इसके ऊपर प्रतीक सहजपाल के ऊपर और तबीयत से दीती औकाते। मैं आपको भी वीडियो के साथ भी दिखाता लेकिन यार कॉपीराइट का इशू रहता है, लेकिन मैं आपको बता तो रहा हूँ कि रश्मि देसाई को फुल सपोर्ट कर रहे थे उमर रियाज। अब बाबा अगर ये प्यार नहीं है तो क्या प्यार था बिग बॉस 15 में, था ना था। मतलब जिस तरीके से उमर रियाज के साथ हमेशा रश्मि देसाई रहती थी और उमर रियाज चाहे गलत हो या सही हो रश्मि देसाई के लिए हमेशा बोलते थे, रश्मि देसाई और करण कुंद्रा के लिए हमेशा खड़े रहते थे उमर रियाज। लेकिन यह गलत करो उमर रियाज को भी शो में से निकाल। तो अब आपको ऐसे में क्या है कहना कि आपको याद है कुछ खट्टे मीठे मोमेंट्स इन उमर रियाज और रश्मि देसाई के, अगर याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप देखना चाहते हैं और मोमेंट्स तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको और भी वीडियो के साथ देखूँगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।